जैसे एक फिजिकल स्ट्रांगनेस होती है, ऐसे ही एक मेंटल स्ट्रांगनेस होती है। बॉडी फिजिकल स्ट्रांग आप किसकी मानते हो? आप उन्हीं की मानोगे जिसकी मसल स्ट्रांग है, जो इजीली वेट उठा लेता है या इजीली कोई भी हैवी वर्क कर लेता है। हम उन्हीं को बोलते हैं कि ये फिजिकल स्ट्रांग है। और जो किसी भी प्रॉब्लम का सामना बहुत इजीली कर लेता है, आप उसे बोलोगे वो मेंटली स्ट्रांग है। ये तीन स्टेजेस होती हैं कि मान लो कोई प्रॉब्लम आई और हमने उस प्रॉब्लम को सुनते ही माइंड को ऑर्डर किया, आई कांट डू इट, मैं इसको नहीं कर सकता, और क्विट कर दिया। तो हमने सॉल्यूशन ढूंढा ही नहीं। इट मींस हम मेंटली स्ट्रांग नहीं हैं, हम मेंटली प्रिपेयर नहीं थे कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ पाते। तो इससे क्या साबित हुआ कि आप मेंटली वीक हैं। फॉर एग्जाम्पल कि बहुत बड़ा बैग है, भारी है, हमने उठाया और हमसे उठा ही नहीं, तो हम फिजिकली वीक हैं। और सेकंड कंडीशन कि प्रॉब्लम आई, माइंड ने ऑब्जर्व किया बट हमने क्विट नहीं किया, बहुत ही ज्यादा मेहनत की, हार्ड वर्क किया, सबसे ज्यादा उसमें फोर्स लगाया, और ट्राई करने के बाद आखिरकार हमने सॉल्यूशन ढूंढ लिया। तो आप क्या कहोगे, मेंटली स्ट्रांग हुए या मेंटली वीक हुए? आई थिंक आप कहोगे कि सॉल्यूशन ढूंढा है तो मेंटली स्ट्रांग है, बट मैं कहूंगा वो मेंटली वीक है, क्योंकि उसने हार्ड वर्क किया और इतनी ज्यादा मेहनत मुशक्कत के बाद उसको सॉल्यूशन मिला। जैसे कि एक भारी बैग को मैंने धीरे धीरे करके खचेड़ते हुए उसको आगे तक ले गया, मतलब वो तो एक बहुत ही ज्यादा हैवी बैग था, और आगे जाके वो बंदा अपने आप में शाबाशी ले रहा है, देखो मैं ये बैग लेकर आया, देखो ये वो, लेकिन वो खचेड़ते हुए लाया और वहां तक वो थक गया। इसी तरह मेंटली आप अगर प्रिपेयर नहीं है, मेंटली स्ट्रांग नहीं है, तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने में इतने ज्यादा हार्डवर्क करेंगे कि उस हार्डवर्क को करते करते आप मेंटली और ज्यादा वीक हो जाएंगे। मेंटली स्ट्रांगनेस होता है कि प्रॉब्लम आई और झट से सॉल्यूशन हो, और ये झट से सॉल्यूशन का मतलब ये नहीं है कि ये कोई जादू जादू से नहीं होता है, आप उसके लिए पहले से प्रिपेयर थे। आप पहले से प्रिपेयर थे कि कोई प्रॉब्लम अगर मेरे सामने आएगी तो मैं उसको झट से सामना कर लूंगा। क्विक सॉल्यूशंस, क्विक सॉल्यूशंस कहाँ से आता है? आपकी मेंटल स्टेबिलिटी से, आपके अंदर स्टैमिना, आपके मेंटल पावर इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि कोई भी प्रॉब्लम आए आप उससे घबराए बिना सॉल्यूशन निकालें, और शॉर्टेस्ट सॉल्यूशन निकालें, जिससे आपको ज्यादा हार्डवर्क ना करना पड़े, जिससे ज्यादा आपको मेहनत ना करनी पड़े, और जिसका वे सबसे शॉर्टेस्ट हो। आप फिजिकली अपने आप को इतने स्ट्रांग बना लें कि मसल्स आपके स्ट्रांग हैं, और 50 किलो का वेट भी आप इस तरीके से उठाएं कि लोगों को लगे कि शायद इसमें वेट नहीं है। दिस इज द वे टू फाइंड योर सोल्यूशन। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि कोई कपल हैं, उनमें आपस में बहुत ज्यादा लड़ाइयां होती हैं, तो एक दूसरे को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं। फाइट हो रही है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, एक दूसरे को ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया कि मेरे अंदर तो कोई कमी नहीं है, इसी के अंदर कमी है। ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया कि मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, इसी के अंदर कमी है, मेरी कोई गलती नहीं है, हमेशा इसकी गलती है। या मान लो यार मैं ही गलत हूं, हमेशा मैं ही गलत हूं, मेरी ही गलती है, मान लिया, मतलब मान के बैठ गए। तो ये क्या है, आप मेंटली अपने आप को आपने वीक मान लिया, या तो सामने वाले की गलती मानी या अपनी गलती माननी शुरू कर दी। बट सबसे इजी वे क्या है, फाइंड द रीजंस, प्रॉब्लम का रीजन ढूंढो कि प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हो रही है, व्हाट द रीजन ऑफ द प्रॉब्लम। जब तक आपको प्रॉब्लम पता नहीं चलेगी कि हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्या है, आप
उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाओगे। तो प्रॉब्लम को फाइंड करना है, प्रॉब्लम क्या है कि मेरे किन वर्ड्स से उसे हर्ट होता है, और उसको ढूंढना है कि उसकी किन किन चीज़ों से उसके अपोजिट पार्टी को हर्ट होता है। तो कहना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है, सिर्फ इतना सुधारना है कि मैं ये ना बोल के, मैं अगर ये बोलूं तो ऑब्वियसली उसका उसके नेचर में चेंज आएगा, उसके जो भी उसका व्यवहार है, जो भी उसका वे है, उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आएंगे। और ये देखना, आप ट्राई करके देखना कि अगर आप डेली रूटीन में अपनी वाइफ या अपने पार्टनर के साथ बात करते हैं, जिस तरीके से आप डेली बात करते हैं, वो इतना आदि हो चुका है कि उसे मज़ा नहीं आएगा। आप न्यू वे ट्राई कीजिए, नया वे ट्राई करेंगे, अच्छा वे, ऐसा नहीं पॉजिटिव वे ट्राई करेंगे, डेफिनेटली रिलेशनशिप में कुछ नया आएगा और रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट होना कम हो जाएंगे। एक दूसरे को ब्लेम करना बंद करके रीजन को फाइंड आउट कीजिए कि किस रीजंस के वजह से फाइट हुई, उस रीजन को फाइंड आउट करेंगे, उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे, डेफिनेटली प्रॉब्लम्स लाइफ से खत्म। तो ये आपका क्विक और मेंटली स्टेबिलिटी या मेंटली अपने आप को स्ट्रांग बनाने का तरीका है कि आप प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना मत सीखो, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना सीखो। और प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस आप खुद ढूंढ सकते हैं, आप खुद ही हर एक चीज का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, क्योंकि कोई भी लाइफ की या कोई भी दुनिया की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं है। अगर कोई वायरस है तो उसका एंटीवायरस 100%